जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए हैं, पहले नतीजे आए हैं लिस्टिंग के दिन। हालांकि टेक्निकल फैक्टर्स एट प्ले थे, मेरा भी यही व्यू था कि स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज मार्जिन फंडिंग होती है, एचएनआई इन्वेस्टिंग होती है, मगर लिस्टिंग के एक दिन बाद जब वो डस्ट सेटल हुआ तो देखिए किस प्रकार से इशू के ऊपर जा चुका है। और मैं हमेशा बोलता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट सेंटिमेंट पर चलता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी पर चलता है, मगर लॉन्ग टर्म जिस पर मैनेजमेंट फोकस करता है हमेशा अर्निंग्स पर चलता है। तो क्या अर्निंग्स हैं, क्या आने वाला समय और बेहतर रहेगा, कासा लायबिलिटीज़ इन इशूज़ को लेकर के मैनेजमेंट का क्या व्यू है। अजय कंवल साहब हमारे साथ मौजूद है, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो नतीजे तो साहब बढ़िया थे, क्या नतीजे और अच्छे रहेंगे, बिकॉज जो बड़े बैंक से हमें बोल रहे हैं कि बेस इफेक्ट आ रहा है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, अनसिक्योर्ड को लेकर के समस्याएँ, क्या लगता है आपको? सो निकुंज जी, फर्स्ट थैंक यू सो मच आपको और व्यूअर्स को, सब नमस्कार। सो हमारा बेस्ट क्वार्टर रहा है रिजल्ट्स आईपीओ के बाद एवर। सी जो हमारा बिजनेस है, दो तीन चीज़ें जो हम फोकस कर रहे हैं, वो अंडर सर्व सेगमेंट है, वहाँ पोटेंशियल भी है और डिमांड भी है। सो हमें लग रहा है कि ग्रोथ रेट सस्टेन होगी फॉर अस फॉर श्योर। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप सिक्योर्ड जो हमारा बिजनेस रहा है, जहाँ हम सारा ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं, वो बहुत ही स्टेबल और अच्छा बिजनेस है। हमारा अनसिक्योर्ड ग्रोथ रेट अगर आप देखिएगा, फ्रॉम मार्च 18 जब हमने बैंक लॉन्च किया टू सेप्टेम्बर, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट ओवर 5.5 ईयर्स इज जस्ट बिटवीन 2-3%। तो हम अनसिक्योर्ड पहले भी नहीं ग्रो कर रहे थे, अभी भी उतना ही ग्रो कितना कंज्यूमर डिमांड है, और हम देख रहे हैं कंज्यूमर डिमांड इतना है नहीं, तभी हम अभी करीबन 60% सिक्योर्ड हो गए हैं। सो डिमांड है, सिक्योर्ड रहेंगे, और जो हम लोग डिजिटाइजेशन से, एनालिटिक्स से जो आंसर्स ले रहे हैं ऑन रिस्क साइड, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट रिस्क वी आर डिलीवरिंग। सो आई थिंक वी शुड बी लाइक अ गुड रिटेल बिजनेस, एक वर्चुअल साइकिल की तरह है, रन रेट बिजनेस है, आप अपना रन रेट मेंटेन कीजिए, आपका रिजल्ट आते रहेगा। सो हम वो फोकस में, और हम आई थिंक वी शुड बी फाइन। एक कस्टमर जना बैंक के पास क्यों आएगा, क्या आप उसको बेटर रेट देते हैं, क्या आप उसको बेटर सर्विस देते हैं? बिकॉज सब बैंक यही बोलते हैं जी हम ब्रांड है, टेक्नोलॉजी है, हम वो देते हैं जो दूसरों के पास नहीं है, तो आप डिफरेंट कैसे हैं? जी हमारा फोकस बहुत सिंपल है निकुंज, विच इज कस्टमर फोकस। जैसे कि आपने हमसे होम लोन ले लिया या टू व्हीलर लोन, डजेंट मैटर व्हाट यू टेक, आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो हम ही देंगे। पर हमने एक सेगमेंट पे फोकस किया, मिडिल एंड ऑफ इंडिया, जिसे क्या चाहिए, बिकॉज फोकस नहीं होता। सी हर बैंक में हर प्रोडक्ट है, पर डजेंट मीन दैट एवरीबडी फील्स कंफर्टेबल टेकिंग इट और एवरीबडी इज गेटिंग अ गुड आंसर आउट ऑफ इट। हमने एक बिल्कुल सेगमेंट फोकस कर लिया है कि हमारा जो होम लोन कस्टमर है उसका 12 लाख का टिकट साइज है, सिर्फ 12 लाख का टिकट साइज, अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं। हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग कस्टमर को क्या चाहिए, इसलिए हमारा प्रोडक्ट तो टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं था। अच्छा, अभी हम सोच रहे हैं टू लॉन्च यूज कार, क्योंकि उसका प्रेफरेंस होगा यूज कार। सो एक कस्टमर के लिए हम एक प्रॉपर प्रोडक्ट सूट बना रहे हैं जो उसको सूट करता है। फिर उसमें हम रिस्क कैपिटल डाल देते हैं कि भाई हम कितना रिस्क ले सकते हैं और कस्टमर कितना रिपेमेंट कर सकता है, कितना उसके लिए लेवरेज ठीक रहेगा। जैसे हमें ये आइडिया लग गया हमारे मॉडल से, हम उसको वो ऑफर भेज देते हैं। कोई कस्टमर नहीं चाहता कि मैं यहाँ से होम लोन लूँ, वहाँ से टू व्हीलर लूँ, फिर वहाँ से कार लोन लूँ। एवरीबडी वांट्स टू मेक श्योर कि एक ही जगह से हो, ताकि मल्टीपल केवाईसी ना हो, मल्टीपल रिपेमेंट शेड्यूल्स ना हो, और बैंक मुझे जानता हो। सी द अदर इम्पोर्टेंट पीस इज, देखिए एवरीबडी शुड फील कम्फर्टेबल विथ हिज बैंकर, राइट? कल्चरल होता है। आज मुझे 12 लाख रुपये का लोन चाहिए तो मैं कौन से बैंक जाऊँगा, कहाँ मुझे लगेगा ये बैंक मुझे वेलकम करेगा, ये बैंक को मेरे बिजनेस की जरूरत है, करेक्ट? वी आर दैट बैंक। सो इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। एंड निकुंज टू योर पॉइंट, बहुत लोग हैं, देखिए एवरीबडी विल हैव देयर ओन मार्केट शेयर, जना अकेला तो नहीं बढ़ना है, पर जो हमारा क्लियर है, हमारा आंसर कस्टमर वाइज होगा, सिक्योर्ड होगा, मल्टी प्रोडक्ट होगा, डिजिटल होगा, और हम एक सेगमेंट पे फोकस्ड और वहीं रहेंगे। तो आप एसएमई और बड़े कॉर्पोरेट लोन्स नहीं देंगे? हम एमएसएमई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिकॉज एमएसएमई भी ऐसा ही एक सेगमेंट है। अच्छा, जो आर हमारे हिसाब से अंडर सर्व्ड है, करेक्ट, जिनको हेल्प चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आज हमारा एमएसएमई कस्टमर अगर वो हमसे टर्म लोन लेता है, हम उसको छोटा सा ओवरड्राफ्ट देते हैं। अच्छा, अभी ओवरड्राफ्ट उसको नॉर्मली नहीं मिलता था पहले। अच्छा, तो आप रिस्क भी तो ले रहे हो। हाँ, पर देखिए रिस्क ले रहे हैं, पर आज मैं आपको 100 रुपये का टर्म लोन दूँ, उससे अच्छा मैं आपको 80 रुपीज़ का टर्म लोन देके 20 रुपये का ओडी देता हूँ। अब 20 रुपये का ओडी से क्या होता है, जब भी उसका सरप्लस कैश आता है वापस कर देता है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो उसके लिए अच्छा हुआ।
मुझे उसके ओवरड्राफ्ट से उसके ट्रांजैक्शन दिख जाती हैं, तो मेरा क्रेडिट आसान हो जाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब उसको बैंक गारंटी चाहिए, हम वो भी देते हैं। अब इंडियन ट्रेड शुरू कर देंगे। सो हमारा बहुत फोकस बहुत सिंपल है कि एक कस्टमर के एक सेगमेंट है, और एमएसएमई तो बहुत ज़्यादा बड़ा है निकुंज, सो हमारा शेयर तो मतलब 0. कुछ कुछ ही होगा। सो देर इज अ ग्रोथ पाथ इन एवरीथिंग। ओनली थिंग यू हैव टू बी के व्हाट इज द वैल्यू वी आर प्रोवाइडिंग कस्टमर्स, इज कस्टमर एक्सेप्टिंग दैट, एंड इफ नॉट लेट्स चेंज इट सो दैट ही एक्सेप्ट्स इट। मतलब जो भी मॉडिफाइन करनी है, पर बहुत स्कोप है। तो 3 साल तक क्या आपको एक ग्रोथ की विजिबिलिटी जो पिछले 2 क्वार्टर में रही है उतनी दिखती है? क्या 3 साल तक आपको लगता है कि आप अपने जो रिटर्न रेशियोज होते हैं, मैं दर्शकों को बता दूँ रिटर्न ऑन इक्विटी कॉस्ट टू इनकम रेशियोज जो होते हैं, क्या आप उनको बेहतर कर पाएंगे? क्या 3 साल तक के लिए आपको एक अच्छा माहौल दिख रहा है? सो 2 टारगेट निकुंज हमारे ब्रांड माइंड में है। एक तो कंसिस्टेंसी चाहिए, करेक्ट? नोबडी लाइक सरप्राइजेस। सो हम कंसिस्टेंट रिजल्ट देना चाहते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि हाई मिड टीन्स होगा आरओई। अभी तो खैर 20+ चल रहा है, आई थिंक दैट इज एन इम्पोर्टेंट रेशियो फॉर अस। रिटर्न ऑन एसेट अभी 1.7-1.8 है, दैट शुड बी ऑन द इम्प्रूविंग साइड। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए अब देखिए 2.1 and 0.8 है, तो वही रेंज में रहना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस। मतलब क्वालिटी ऑफ बुक अच्छी होनी चाहिए, राइट? नेचुरली आउटपुट आएगा। अच्छा, एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, सी वी आर इन अंडर सर्व सेगमेंट्स, सो हमें ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, पर मोर इम्पॉर्टेंट इज गुड ग्रोथ। हम ज़्यादा फोकस पे रखते हैं। ग्रोथ तो नेचुरल आती है, बिकॉज यू नो इट्स अ हार्ड वर्किंग मॉडल, इट्स अ लास्ट माइल, इट इज more than 180 cities, it's 20,000 people working, it's a brand which is recognized. हम अभी जैसे हमारे 5.5 साल हो गए अफोर्डेबल हाउसिंग करते हुए, हम कोई नए प्लेयर नहीं है, सो वी हैव अ रीजनेबल पोजिशन नाउ। आई थिंक द ओनली थिंग इज जस्ट रिमेनिंग हेड डाउन इन दैट सेगमेंट, एंड देर इज अ लॉट टू ग्रो इन वॉट वी आर डूइंग। एक डेटा में टू डू एनीथिंग न्यू। एक डेटा में बैंकर्स से हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप लोन दे रहे हैं, बढ़िया बात है, मगर आप कितने लोन रिजेक्ट करते हैं? वही मेरे को एक प्रकार का इंडिकेशन होता है दैट हाउ यू मैनेजिंग योर क्वालिटी। कितनी एप्लीकेशन आप आती है, कितना प्रोसेस करते हैं, बताएं उस प्रोसेस के बारे में। सो एमएसएमई में आई कैन टेल यू दैट वी एंड अप 30-40% ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स विल गेट द लोन। अच्छा, इज दैट अ गुड नंबर? इज दैट अ नंबर व्हिच इज लोअर देन इंडस्ट्री एवरेज? आई निकुल सी द वे वी लुक एट इट इज, फर्स्ट तो माय सेंस इज इट शुड बी अराउंड द इंडस्ट्री नंबर, दो आई डोंट हैव मच डेटा ऑन इट, बट अ रीजनेबल प्रोपोर्शन वी फाइंड इज ओवर लेवरेज व्हिच वी फाइंड फ्रॉम द ब्यूरो। ओके, देन वेन वी गो इन टू डिटेल एनालिसिस, जब उसका कैश फ्लो देखते हैं, उसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, उसकी इनफॉर्मल बोरिंग्स देखते हैं, तो अगला 30-40% वहाँ से निकल जाता है। अच्छा, सो ये 2 बकेट जरूर हैं, एंड आई थिंक फॉर अ बैंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव क्राइटेरिया विच इज बेस्ड ऑन द, मतलब हमें पता अगर हम ये मॉडल लगाएं तो हमारा ग्रॉस एनपी कितना होगा, करेक्ट? हम वही मॉडल अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर 40% अप्रूवल रेट कल 50 हो जाए या 60 हो जाए, इट्स फाइन, दैट इज नॉट अ क्राइटेरिया कि बस कुछ गलत है, पर हमारा मॉडल हैज अ प्रेडिक्टेबिलिटी आंसर कि अगर ये आप क्राइटेरिया लगाएंगे तो आपका आउटपुट इतना ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए इस रेंज में आएगा। अच्छा, वी हैव दैट मॉडल, वी सेड इट्स वेरी, वी हैव 40 पीपल इन एनालिटिक्स। अच्छा, एंड दे डू दिस डे इन एंड डे आउट, कि हर हर सेगमेंट का, हर कोहर्ट का वो टेस्ट करते रहते हैं कि यू नो विद दीज फैक्टर्स व्हाट इज आउटपुट कमिंग, व्हाई इज इट चेंजिंग, एंड बेस्ड ऑन द कीप मॉड्यूलेटिंग। सो आई सस्पेक्ट निकुंज दैट वी शुड बी फाइन ऑन द वे वी आर इवैल्यूएटिंग, एंड यू नो आई सेड दिस इन द अर्लियर सेगमेंट ऑल्सो, द वर्स्ट लोन विल बी मेड इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स। सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी कॉन्शियस कि नंबर्स अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा है। There is no need to have overconfidence about it. I think it's even more important. Hum sar nache rakhe, aur focus karke, we make sure that we don't do things we don't understand. We don't take chances we are not very sure about. We just stay to core. तो growth और profitability में ये आंकड़ा होता है, blending किस प्रकार की करते हैं? आपका focus क्या रहेगा? Low NPAs, low growth, or high profitability, and then little bit compromise here and there. So our basic start point is good growth. Okay. Right? Good growth with digital managed cost, right? Make sure customer service is good. Okay. Right? Because in the end, you know, the best answer for our institution will be when our own customers say, listen, Jana is doing a good job. So customer service is good, cost managed through digital, and good growth. If you multiply the three, it'll mean good ROE and good ROA. अब वो चाहे वो 20 हो या 18 हो या 22 हो, वो तो इट्स अ मैटर ऑफ
यू नो कॉस्ट ऑफ फंड क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, बट दैट्स ऑल सेपरेट। तो आप एक क्यूएस क्यूटी स्टोरी नहीं, क्वार्टर से क्वार्टर तक मत देखो, सालों की बात करो, ईयर टू ईयर देखो, तीन साल तक तो आप अभी हमें कमिट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, कि अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। अगर मैं एक बड़ी फ्रेमवर्क की बात करूं तो मेरे से आखिरी दो सवाल हैं। HDFC बैंक जो भारत का विलय के बाद सबसे बड़ा बैंक हो चुका है, वो कह रहा है चार साल में वो डबल हो जाएंगे। हम HDFC बैंक की बात कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपका बेस कम है, तो आपकी जो हम कहते हैं ना डबलिंग कैपेसिटी है वह ढाई या तीन साल है? HDFC बैंक चार बोल रहा है और आप भी अगर हमें कह रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ, तो वही रन रेट अगर मैं डालूँ तो। सो निकुंज जी लिसन, ये डबलिंग वगैरह तो मैंने कहा, देखिए फोकस हमारा इनपुट पे रहता है, हमें मालूम है कि अगर गुड इनपुट नेचुरली गुड रिजल्ट्स, सो वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन इनपुट। एंड फॉर अस सी इंस्टीट्यूशन दो साल पाँच साल इज़ गुड, बट जो फंडामेंटल कल्चरल है कि व्हाट डू वी थिंक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट इन द बैंक, व्हाट डू वी थिंक ऑफ कस्टमर सर्विस इन द बैंक, हाउ मच आर वी इन्वेस्टिंग इन डिजिटल, विच सेगमेंट्स आर वी सर्विंग, वेयर डू वी सी कंपेरेटिव एडवांटेज, जहाँ गलतियाँ होने कैसे हम करेक्ट करें। सो आई थिंक दैट इज मोर वेयर आर इथॉस इज। लाइक आई सेड, सी ग्रोथ इन आर सेगमेंट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज इट्स अंडरसर्व्ड। देन इज कैन वी बिल्ड क्वालिटी बिजनेस, कैन वी बिल्ड अ क्वालिटी बैंक, बिल्ड द कल्चर, द बिहेवियर्स, द वे द बैंक रन सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज प्राइमरी फोकस फॉर अस। पर जी जी हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ मिनट मिनट विश्लेषण होता है, आंकड़ों होते हैं, तो आज... देखिए आंकड़े करने के लिए बहुत लोग हैं और देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो साफ नहीं है, राइट? लास्ट नाइन मंथ्स डिपॉजिट इज एट 36% ग्रोथ, एसेट इज एट 28% ग्रोथ, नेट NPA 0.9, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट, ROE दिख रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत हो जाएंगे। तो अगर मैं उसी बात को नंबरों पे नहीं जाते, मैं स्पेसिफिक हमारे दर्शकों के लिए बात करूं, आप कह रहे हैं कि ग्रोथ रहेगी बढ़िया, आप कह रहे हैं रिटर्न रेशियोज जो हैं ROE वो जो पास्ट में थे उससे बेटर होंगे, तो अगर ग्रोथ बढ़िया है, रिटर्न रेशियोज अगर अच्छे रहेंगे, तो मैथ्स हमारे व्यूअर्स को करनी चाहिए समझने के लिए कि आने वाला तीन साल पिछले तीन साल से ज़्यादा बढ़िया क्यों रह सकता है। बिकॉज अगर बैंक्स के रिटर्न रेशियोज, जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट, एसेट क्वालिटी, कॉस्ट टू इनकम, ये अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो मार्केट्स में और बैंक्स के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज आती है, जिससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं ठीक बोल रहा हूँ? आप परफेक्ट बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं निकुंज जी, सो नो इश्यू विद दैट एट ऑल। आपका मैच बिल्कुल सही है, देयर इज नो रॉन्ग विद द मैच, ओनली आई एम वेरी कॉन्शियस। ही द वन थिंग आई विल टेल यू सारे व्यूअर्स के, मैं और मेरी पूरी टीम, हमारा एक ही फोकस अच्छा बैंक बनाए, अच्छा बैंक बनाए, और रिजल्ट तो फिर आते ही रहेंगे। और भगवान करे कि हम अभी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक बोलते हैं, थोड़े दिनों बाद उसको जना यूनिवर्सल बैंक बोले, तो उम्मीद करते हैं उसी पाथ पर आप जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।